हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. हाउ आर यू ऑल? एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. एंड वेलकम टू द क्या आपका माय सेकंड ईयर स्टूडेंट इन द टैक्सेशन, इनकम टैक्स. ठीक है, बिकॉज लास्ट फ्यू फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, यू आर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द क्या आपका योर मिस्टर सौरभ शर्मा सर. ठीक है, बट स्टिल अब ही इज लेफ्ट फ्रॉम द क्या आपका कॉलेज. तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगी कि आपको जो भी टैक्स में प्रॉब्लम हो या जैसे भी हो, वो आप मुझसे शेयर कीजिए और अब आपका जो आगे का टैक्स होगा वो मैं कंटिन्यू करूंगी. ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग अपना पीजीबीपी शुरू करते हैं, इनकम फ्रॉम द क्या आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन. और एक चीज़ और, अगर आपको अदर सोर्सेज में कोई भी प्रॉब्लम है या जो भी सौरभ सर पढ़ाकर गए हैं उसमें कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप उससे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और आप लोगों के पास, आपको पता ही, आपके पास मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है. यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, व्हाटएवर, तो किसी भी तरीके से. अब नाउ द क्या आपका कंसेप्ट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्या है ये? क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, वी हैव फाइव हेड. मैंने आपको अदर सोर्स में बताया था कि वी हैव फाइव हेड. वन इज क्या आपका सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड क्या आपका हाउस प्रॉपर्टी, बात मत करो प्लीज, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स. ठीक है, तो बेसिकली पीजीबीपी, स्वाति, बेसिकली पीजीबीपी इज अ हायर, ठीक, इन विच योर क्या कहते हैं, योर इनकम विच इज यू अर्न फ्रॉम योर बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, इज टैक्सेबल इन द क्या आपका इन द पीजीबीपी हेड. अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिजनेस या प्रोफेशन क्या है. तो बिजनेस और प्रोफेशन तो बेसिकली एक ही कंसेप्ट में आपको बताऊंगी. बिजनेस वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां आपने, जिसको आपने स्टार्ट किया फॉर द मेकिंग, फॉर द प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी. एंड प्रोफेशन इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने स्टार्ट किया अपने स्किल्स के थ्रू. देखिए, बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि यू हैव द क्या आपका पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एंड तो ही यू कैन स्टार्ट द बिजनेस. बिजनेस तो यू कैन स्टार्ट विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, बट क्वालिफिकेशन जरूरी होती है किसी बिजनेस को करने के लिए, बिकॉज अब आज के टाइम में आप बिजनेस नहीं कर सकते बिना क्वालिफिकेशन के. ठीक है ना, तो बेसिकली बिजनेस के लिए भी पढ़ाई जरूरी है, बट अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर पढ़ाई की तो वो जरूरी नहीं है, बट प्रोफेशन के लिए पर्टिकुलर पढ़ाई की जरूरत है. अब अगर इफ आई स्टार्ट माई क्या आपका स्टार्ट डूइंग माई प्रैक्टिस सी एस प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली उसके लिए फर्स्ट आई हैव टू क्वालिफाई, ठीक है, फॉर द क्या आपका सी एस प्रोफेशन. मुझे सी एस के लिए क्या होना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा, तो ही आई कैन स्टार्ट माई ऑफिस इज क्या आपका सी एस ऑफिस, क्लियर हो गया. और सेम इन द केस ऑफ सी ए, इंजीनियरिंग, एडवोकेट, जितने भी आपके लॉयर्स होते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. तो क्या मेरा ये मानना है कि तो डेफिनेटली जब हम कोई पर्टिकुलर बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तो डेफिनेटली उससे जो हमें इनकम होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं तो वी डेफिनेटली अर्न द क्या आपका प्रॉफिट, तो दैट प्रॉफिट इज कवर्ड अंडर क्या आपका इन दिस, क्या कहते हैं, इन दिस साइड. आ रही मेरी बात समझ में? तो चलिए इसके साथ ही, एंड यू नो माई नेम इज सी एस नुपुर अरोड़ा एंड माई ई मेल आई डी इज दिस अरोड़ा डॉट नुपुर 985@gmail.com. ठीक है, क्या इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट. सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस. तो बेसिकली अगर हम बिजनेस को देखें तो बिजनेस में कोई भी ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, मतलब कोई भी किसी भी चीज की ट्रांजेक्शन करना. लाइक एक बात सुनो, जरूरी नहीं है कि बिजनेस में यू ऑलवेज डूइंग द क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग और क्या आपका प्रोसेसिंग और क्या आपका आपका प्रोडक्शन एंड ऑल. ठीक है, सम टाइम यू टेक द क्या आपका, जैसे मान के चले आप बहुत सारे आपके जो आसपास के जो शॉप वेंडर्स होते हैं, आप ये देखते हैं कि उनके पास सूट बिकते हैं, तो जरूरत है ना कि वो सूट बना रहे हैं, वो सूट बाजार मतलब बाहर से या तो मुजफ्फरनगर में कहीं से या फिर क्या कहते हैं आपका बाहर से क्या कहते हैं शहर के बाहर से, लाइक मेरठ, सूरत, ठीक है, अहमदाबाद, इन सब जगह से लेकर आते हैं और यहाँ पर आकर उसको सेल करते हैं. तो बेसिकली ये काम करते हैं, इनका भी बिजनेस बिजनेस ही है, ये ट्रेड कर रहे हैं किसकी लाई हुई चीज, कहीं की किसी की बनाई हुई चीज को कहीं और क्या करना, बेचना. कॉमर्स, वाणिज्य, ये भी डेफिनेटली एक व्यापारी है, इसका नाम व्यापारी है. कॉमर्स कोई भी क्या कहते हैं आपकी एक्टिविटी करना, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी. और मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको पता है जब आप किसी ना किसी चीज को क्या कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो, या कोई भी एडवेंचर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका मीनिंग ऑफ प्रोफेशन.
ये उसके अंदर वो आता है जिसके लिए आपको कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल स्किल चाहिए, मैनुअल स्किल चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल लर्निंग। मैंने आपको पहले बताया था कि बिजनेस करने के लिए नो नीड टू कि आपका एनी क्वालिफिकेशन है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन के आजकल कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बट प्रोफेशन के लिए यू नीड अ कि आपका क्वालिफिकेशन, इफ यू हैव क्वालिफिकेशन तो ही स्टार्ट योर प्रोफेशन, अदरवाइज नॉट। आ रही मेरी बात समझ में? तो यही मतलब है बिजनेस और प्रोफेशन का। अब इसके लिए, क्योंकि जब मैं कोई इनकम अपने अकाउंट में क्या करूंगी, टैक्सेबल करूंगी, तो उसके लिए अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मेरे थ्रू क्या होना चाहिए, कैरिड आउट होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो कि कैरिड आउट के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? असेसी। असेसी वो बंदा होता है मेरे बच्चों जो एग्जैक्टली क्या कहते हैं, जो कर है उसका निर्माण करता है, कर निर्धारक होता है वो। एग्जैक्टली कर निर्धारक नहीं, वो तो असेसिंग ऑफिसर हो गया। खैर, असेसी होता है जो करदाता होता है, जो क्या कहते हैं इनकम अर्न कर रहा है। तो बिजनेस करने वाला बंदा कौन होता है? एसएससी होता है, ठीक है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, आपका इनकम अर्न कर रहा है। मस्ट बी कैरिड ऑन बाय द गैप, आपका एसएससी मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बिल्कुल सही बात है ये। मैं आई होप, मतलब मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का डिफरेंस पढ़ लिया होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेसिकली प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें एसएससी अर्न द इनकम, एंड द असेसमेंट ईयर इन विच एसएससी पे द गैप का टैक्स ऑन द गैप का प्रीवियस ईयर इनकम। ओनली प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ऑब्वियसली मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है कि इफ यू क्या कहते हैं ऑपरेटिंग अ बिजनेस एंड यू डोंट हैव प्रॉफिट तो भी ठीक है, यू हैव टू पे द गैप का टैक्स, क्योंकि टैक्स आप हमेशा तब पे करते हो जब अल्टीमेटली आपकी इनकम क्या होती है, अर्न होती है। आप इनकम क्या करते हैं, अर्न करते हैं, तो यू ओनली पे द गैप का टैक्स। इफ यू आर नॉट क्या आपका क्या कहते हैं अर्न द इनकम, तो यू आर नॉट लायबल टू पे द गैप का टैक्स। इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम, बिल्कुल। यहाँ पर जब आप क्या कहते हैं बात करते हैं किसकी, लॉस की, तो लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गैप ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि अल्टीमेटली उस लॉस की आपको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। रेलिवेंसी ऑफ मेजर ऑफ अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, याद है मैंने आपको अदर सोर्स में भी बताया था, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि यू कैन क्रिएट योर अकाउंट ठीक है ऑन कैश बेसिस और क्या आपका मर्केंटाइल बेसिस, मतलब एक्चुअल बेसिस। आप अपने जो अकाउंट है वो कैश और मर्केंटाइल दोनों में से किसी बेसिस पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी असेसिंग ऑफिसर, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो आपके इनमें से किसी पर भी चैनल कर सके। हाँ, वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है कि अगर आपने कोई चीज कहीं से कहीं डाल रखी है तो वो आपको रेक्टिफाई करने के लिए कह सकता है, बट वो आपको ये नहीं कह सकते कि आपने कैश पर क्यों बनाया या इक्विटी पर क्यों बनाया, क्योंकि तीन हेड ऐसे होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। उन तीनों पर तो वो कह सकता है, ठीक है, पर किस पर नहीं कह सकता आपको वो, किस पर पीजीबीपी और अदर सोर्स में नहीं कह सकता। अ पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस विद वन सेल्फ, हेंस सोशल प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल। व प्रोप्राइटर विदड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 ठीक है फॉर पर्सनल यूज एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 60,000 एंड प्रॉफिट ऑफ 10,000 शैल नॉट बी टैक्सेबल। बिल्कुल, देखो कि पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस विद वन सेल्फ, अकेला नहीं कर सकता, सोशल प्रॉफिट कभी टैक्सेबल नहीं होते। प्रोप्राइटर विदड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर पर्सनल यूज एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 60,000 एंड प्रॉफिट कितना आपका। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी कहीं पर कोई वो ही नहीं है कि उसने प्रोप्राइटर अपने खुद के बेनिफिट के लिए कोई भी चीज ली पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बच्चा 60,000 की डाल दी जा 70,000 की डाल दी, इस तरह के नोशनल प्रॉफिट को वो यहाँ पर क्या नहीं किया जाता, टैक्स नहीं किया जाता। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लीगल एंड लीगल बिजनेस फॉर टैक्सेशन पर्पस, इवन इनकम फ्रॉम लीगल बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात से मतलब नहीं होता कि तुमने लीगली कमाया लीगली कमाया, ठीक है, तू तो मुझे टैक्स दे, उसके बाद इलीगल बिजनेस अगर होगा तो तुझे कौन देखेगा, तुझे क्या देखेगी, पुलिस देखेगी, कोर्ट देखेगी, मेरा उसमें कोई भी क्या नहीं है, रोल नहीं है। जो बेसिस ऑफ चार्ज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ही चीज बताती हूँ कि जो रियल होता है, रियल प्रॉफिट होता है, और जो नोशनल प्रॉफिट होता है, दोनों में डिफरेंस ही होता है। रियल प्रॉफिट जो आपने एग्जैक्टली कमाया, और नोशनल प्रॉफिट जो आपने एग्जैक्टली फेक तरीके से बना लिया है। क्लियर हो गया। कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस का मतलब ये होता है कि कैश बेसिस में ये होता है कि आपके जितने भी खर्चे 31 मार्च तक ठीक है आपने कैश के रूप में कर दिए हैं, वो उनकी केवल आपको रिडक्शन मिलेगी। बट अगर मर्केंटाइल बेस में अगर वो क्या भी हो चुके, खड़े भी हो चुके हैं 31 मार्च तक, तो भी उसकी आपको क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि यू शुड मेंटेन योर अकाउंट ऑन कैप का एक्नॉमिक बेसिस, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, लॉस, लॉस जो निगेटिव इनकम होती है, ठीक है, इनकम में निगेटिव इनकम जो आती है उसकी आपको डिडक्शन मिलती है, बट उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपनी लॉस रिटर्न क्या करनी होती है, फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा ओनली प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस इनकम टू बी टैक्स, ऐसा नहीं होता है, इसमें एडवांस टैक्स के प्रॉफिट भी क्या होते हैं, आपकी उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है,
ठीक है, तो इसके साथ ही आपको क्या हो जाती है, हमारी ये क्लास खत्म हो जाती है। और मैं फिर से आपसे ये बोलूंगी कि आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा हो या आपको कोई भी इशू आ रहा हो तो यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। और ठीक है, आपको जो पिछली क्लास में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो पहली पहले पॉइंट में या फिर जो भी जैसे भी हो, ठीक है, आप उससे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम।